अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो जी कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दो भाई जो है ना, हमारे नए गेमिंग में होंगे पेंट में, मतलब ना कि नई नई उन्होंने गेम GTA 5 इंस्टॉल की होगी और मॉडिंग का उनका शौक मतलब आया होगा कि यार मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मोड जो है वो इंस्टॉल कर लूँ अपनी गेम के अंदर। तो ये साइड पे कुछ जो है ना आपको नज़र आ रहे होंगे एरर्स, क्योंकि मुझे उम्मीद है 100% के उनको जो है वो देखने के लिए आए होंगे। तो मेमोरी जब गेम मैंने स्टार्ट की है तो इतना प्रो तो खैर कोई भी नहीं होता, गलतियाँ करके हैं मतलब ना कि ये सारी चीज़ें जब उसके साथ होती है तभी इतना मतलब ना कि बंदा सीखता है और आगे जो है ना वो डिलीवर करता है। तो मेरे साथ भी ये मसले आए थे और मैंने जो है ना इनका हल निकाल लिया। तो मैं चार भाइयों के साथ भी जो है ना मैं इनको शेयर करूँ कि यार ये मसला जो है इस पर आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको जो है ना अपना गेम इंस्टॉल अनइंस्टॉल या मतलब डिलीट वगैरह करने की कोई ज़रूरत है। तो मैं आपको दो एक मोड बताऊँगा इस तरह के, मतलब दो फाइल्स बताऊँगा कि जिससे आप जो है ना इंस्टॉल करेंगे अपने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर, तो जो है ना आपके ये मसले सारे जो भी आ रहे हैं ये हल हो जाएंगे। तो जी शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का प्रोसीजर। तो जी मिलते हैं आपसे सीधा डेस्कटॉप पे। तो जी हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सीधा हम लोग चले जाएंगे क्रोम में और यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेंगे हीप एडजस्टर। ये अगर ये हमारा हीप एडजस्टर करना था, ये आ गया हमारा हीप एडजस्टर। तो ये मोड 5 से जो है ना आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो जी यहाँ पे जो है हीप एडजस्टर का, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आपने यहाँ पे डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करने पे जो है ना इसका लिंक जनरेट होगा और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। देन आपने करना क्या है कि जी आपने करना है इंस्टॉल पैक फाइल लिमिट एडजस्टर। तो ये भी आपको मोड 5 से मिल जाएगा। आपने यहाँ पर भी सिंपली क्लिक करना है इस पर और जो है इस पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। कुछ ही जो है ना ये KB's का ये शायद MB's का जो है सॉफ्टवेयर वो छोटा सा जो है ना ये फाइल्स हैं इस तरह से आप बोल लें। तो आपका कीमती टाइम बचाने के लिए मैंने इनको पहले से ही जो है ना इंस्टॉल करके यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जी ये अभी हमारे पास जो है ये जिप फाइल में मौजूद है, तो इन पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल। तो जी एक्सट्रैक्ट फाइल ये एक्सट्रैक्ट हो गई, यहाँ पर ये फाइल हमें नज़र आ जाएगी। देन आपने दोबारा से इस तरह ही करना है। तो जी ये भी फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अगर आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना ये एक आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसको आप नाम दे दें हीप एडजस्टर जो है ना, ये सिंपली न्यू फोल्डर जो क्रिएट किया है इसको खोल लेना है और यहाँ से ये जिप फाइल क्रिएट ये खोल के यहाँ पे इन सारी फाइल होंगी इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और आपका ये भी इस तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जी आपने जाना है इसके बाद सीधा GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे राइट क्लिक हम लोग कर लेंगे और ओपन फाइल लोकेशन, अगर आप इस तरह नहीं जाना चाहते तो आप जिस PC से जहाँ पे भी आपने अपनी गेम को रखा हुआ है वहाँ पे सीधे से जाके अपना जो है ना ये काम अपना कर सकते हैं। मेन फोल्डर के अंदर मेन डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। अब सिंपली हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले ये जो है पैक लिमिट एडजस्टर, तो इसमें से ये दोनों फाइल उठानी है, यहाँ पे जो है ना आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। ये रिप्लेस का ऑप्शन मेरा इसलिए दे रहा है कि मेरे पास ये जो पहले से आपको मैंने बताया कि मसला आया था तब मैंने इनका सलूशन किया था। तो इसके बाद ये जो है ना ये दोनों आपने यहाँ से ये फाइल उठानी है और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे इस फिर से जो है रिप्लेस का ऑप्शन मांग रहा है। इसके बाद आप जो है ना इतना मर्ज़ी अपना गेम चलाएं, जितने मर्ज़ी मोड्स वगैरह इंस्टॉल करें, आपका कोई भी एरर यहाँ पर आने वाला नहीं है। तो जी मैं अब चलता हूँ सीधा गेम के अंदर और दोबारा से गेम के अंदर मिलते हैं हम। तो जी ये हम लोग जो है ना वो गेम के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये सामने फ्रैंकलिन की गाड़ी खड़ी है जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले जो है ना वो मार मार के तोड़ रहे थे। तो जी रेडियो को मैं ऑफ कर दूँगा। यार ये गेम जो है ना मैंने एक दो दिन पहले इंस्टॉल किए क्योंकि मेरे जो है वो लैपटॉप में थोड़ा सा मसला आ गया था,
इस वजह से जो है ना ये मुझे दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ी, इस वजह से इसकी सेटिंग्स वगैरह नहीं हुई और ये जो है वो रेडियो वगैरह ऑन और ऑन हो रहा है। तो खैर अब ये देख लें, मैं काफ़ी देर से जो है ना वो गेम को चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है ये दूसरे अपने चाहने वाले अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो ये मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hey, the guy, rock him off. And it got out of they should go a little bit. So I don't want to work. Oh no, you need to do it first. That's it. I'm not thinking it. Any first in the lake of the sheen that I had. Don't. They should mind. Thank God. There you go. Yeah, it's not that. Then from them. And break all. Yeah, but...